Hey guys, welcome back again on my channel. This is me, your lucky boy. And guys, this is my day 4 in Kashmir. मैं पहुंच गया हूं अभी अनंतनाग और ये मैंने कैब बुक करी थी आरू वैली से. वहां खड़े हैं मुदस्सर भाई जिनके साथ मैं आया हूं. अभी मैं जा रहा था कोकरनाग, वेरी नाग और अच्छा बल देखने के लिए. तो मुदस्सर भाई मेरे को यहां लाए. एक मार्टन सन टेम्पल है यहाँ पर कोई, तो उन्होंने बोला ये भी एक अच्छा व्यू पॉइंट है. तो अभी बस मैं वही जा रहा हूँ. दूसरे भाई कोई टिकट है यहाँ पर? ऐसे ही सीधा जा सकते हैं? ठीक है, चलते हैं अंदर देखते कैसे. सो गाइस, मैं आ गया हूँ अंदर और ऐसे कोई एंट्री टिकट नहीं है. और ये बहुत ही पुराना मंदिर है. इट इज मेड इन 8th century. देखते हैं अंदर से कैसा है. बहुत ही यार खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर. आई एम इन शॉक. और इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था. हाँ मुदस्सर भाई, ये काफ़ी पहले से फेमस है या अभी रिसेंटली फेमस हुआ है? पहले से ही. सो गाइस, मार्टन सन टेम्पल इज ऑल्सो डन. एक यूनिक एक्सपीरियंस है. अगर आप भी आते हैं कोकरनाग, वेरीनाग और अच्छा बल के आसपास या अनंतनाग, तो आप भी विजिट कर सकते हैं यहाँ पर. थोड़ा सा क्योंकि ये पुराना है तो इतना वेल मेंटेन नहीं है, काफ़ी खंडित हो चुका है कह सकते हैं. बट आई थिंक एक बार ही विजिट करना बनता है. तो अब चलते हैं यहाँ से. लेट जस्ट क्विकली गो टू द नेक्स्ट व्यू पॉइंट. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइस, मैं पहुंच गया अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे. ये है अच्छा बल. ये भी एक बहुत पुराना फेमस मुगल गार्डन है. इट वाज बिल्ड बाय नूर जहाँ इन 1620. और एंट्री टिकट यहाँ भी सेम है, 24 rupees फॉर एडल्ट और 12 rupees फॉर चाइल्ड. और मुगल एरा में इसको साहेबाबाद भी बोलते थे. इट इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस गाइज. और व्यू तो एज इट इज, एज यू नो, कश्मीर में आप कहीं भी जाओ बहुत ही खूबसूरत होते हैं. यहाँ पर काफ़ी लोकल आए हुए हैं जो यहाँ पर लंच वगैरह कर रहे हैं. सो गाइज, अच्छा बल इज़ डन. ये बहुत ही एक क्वाइट ब्यूटिफुल प्लेस है. एंड यू विल ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ लोकल्स हेयर विद द टूरिस्ट. एंड टूरिस्ट डेफिनेटली एंजॉइंग द चिल्ड आउट वाइब हेयर. यहाँ पर वैसे इतना कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, बट डेफिनेटली यू कैन कम हेयर इफ यू आर विद फैमिली. यू कैन डेफिनेटली हैव अ चिल आउट टाइम है. आप बैठें, थोड़ा सा इन्जॉय करें वेदर को.
Now I am going to the next spot, which is Kokonath, and let's see how it is. So guys, now I've reached Kokonath. Achhabal se around 20-25 minutes ke distance pe hai. And this looks pretty nice. Here also you'll find a lot of locals coming here for meals. You can see this side, you know, on this side as well. Lot of locals having their own meal here. So guys, this is pretty much it in Kokonath. बहुत ही छोटी सी जगह है, but you'll find a lot of locals here. Lot of school kids are here as well today. बट हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट है. व्यू कुछ मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अमेजिंग आ रहा है यहाँ से, बट यस, इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा टाइम इन हैंड, या आपके पास एक्स्ट्रा दिन है, आप थक गए हो घूम घूम के कश्मीर, यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा चिल टाइम विद योर फैमिली यू कैन एन्जॉय. बाय द वाइज, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज और अ लॉट ऑफ यू नो व्यू अराउंड, वो आपको यहाँ एज सच नहीं अवेलेबल होगा. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट व्यू पॉइंट, विच इज़ द वेरीनाथ. लेट्स सी हाउ इट इज. सो गाइज, मैं पहुंच गया हूँ वेरीनाथ. रास्ता यहाँ पहुंचने का तो बहुत ही खूबसूरत था. लेट मी सी हाउ द प्लेस इज. So guys, there is this beautiful place here. Look at this. This is the natural spring water here. और यहाँ से view बहुत ही amazing है. और पानी इतना साफ है, नीचे ज़मीन दिख रही है बिल्कुल. So guys, out of these three places, Achhabal, Kokonath or Verinagh, Verinagh is my favorite. I really liked it. It is almost similar to the rest of the two places. Thoda sa bada hai aur plus wo jo piche natural spring water hai, wo bahut hi amazing view aata hai wahan se. To mujhe wo bahut personally acha laga. Aur chilled out vibe yahan bhi hai, bahut hi khoobsurat view bhi hai yahan. Again, if you have some spare time, आप कश्मीर आए हैं एंड यू हैव सम फ्यू आवर्स, या फिर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है, तो आप डेफिनेटली इन तीनों जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो अपेरेंटली पीपल आर ड्रिंकिंग दिस वाटर, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू कैन ड्रिंक दिस एज वेल. But I could see that people are taking shower as well here. So, अच्छा मैंने पिया नहीं था. Anyways, this is pretty much it from this place, I guess. And I'll head back to Srinagar now. I hope you liked today's video. If you did, then please press the like button. And if you want to see such videos in future as well, consider subscribing to my channel. Now I'll meet you in my next video from some other place. Till then, take care of yourself. Bye bye.